नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम दिसंबर 2024 में होगा पूरा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से आज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का एरियल दृश्य देखा। केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुग्राम में मेट्रो रेल नेटवर्क विस्तार को दी मंजूरी। रूस में फंसे यात्रियों को सैन फ्रांसिस्को भेजने के लिए एयर इंडिया ने भेजी फ्लाइट, कल हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, धान, अरहर, मूंग, उड़द के एमएसपी में भारी बढ़ोतरी का किया ऐलान। लखनऊ में मुख्तार के करीबी की गोली मारकर हत्या, वकील के ट्रस्ट में आए थे हमलावर। पटना के मॉल में गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति लगाने पर हुआ विवाद, सिख नेताओं के विरोध के बाद लिया गया फैसला। जेएनयू में देर रात छात्राओं के अपहरण की कोशिश, नाराज छात्रों ने सीएसओ से की इस्तीफे की मांग। राजस्थान में ईडी की एंट्री पर एक्टिव हुए बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीना, बोले आईटी विभाग में हुए घोटाले को लेकर परिवारवादी के साथ ईडी कार्यालय जाएंगे और शिकायत दर्ज कराएंगे। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में चलेगी गर्म हवाएं, आईएमडी ने हीट वेव को लेकर जारी किया अलर्ट। पहली बार नक्सलियों के ड्रोन कैमरे इस्तेमाल करने का खुलासा, 3 राज्यों की पुलिस और भी सतर्क।